그래 엄마 주부. संकी अम्मा पूरे फौज के साथ अपन को ढूंढ रही है। भाई लोग क्या करना है? अगर अभी भागे तो पक्का पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो गंदे कपड़ों के बजाय हमारी धुलाई हो जाएगी। आपने मुझे बेस्ट पार्टी तो दी, लेकिन एक चीज रह गई। यू नो ना डाडा, जिसके बिना मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी, मेरी लाइफ कुछ भी कंप्लीट नहीं है। थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं। Must love you. ये बालक कहीं बाहर ले जाने लायक नहीं है। मुझे पहले से ही ज्ञात होना चाहिए था ये कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य करेंगे। एक बार पकड़ में आ जाए फिर देखना उनका मैं क्या हाल करती हूँ। यहीं कहीं होंगे अम्मा जी, गार्ड्स ने भी उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। मिल जाएंगे। रॉकेट भैया के कबूतर बुलाने तक तो ठीक था, अब अपन कीड़े ही बन गए। ये आजादी की कीमत। फिल्म भी डायलॉग बाद में मारना, अभी चुपचाप हमारे साथ साथ चल। कॉस्ट्यूम से निकल मत जाना। एक दूसरे का हाथ पकड़ो और मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ जी, हाँ जी, सारे हौले हौले चलना, आज तो भाग ही जाना है। बहुत बढ़िया कबूतरों, हम दरवाजे के बहुत पास हैं। माय डियर प्रिंसेस, ये आपके लिए। क्या क्या हुआ? अम्मा, अम्मा। तम्मा। रॉकेट भैया हिल गए ले, ये गाना गाने का टाइम है। तम्मा नहीं अम्मा। सन की अम्मा। ओ बेटा। अब क्या होगा? दरवाजा खोला तो खुद आसमां था।
आज के दिन मेरे घर खुशी की दस्तक हुई थी। बंजी भाई इतनी खुशी का मौका मिल रहा है तो बनती है। दिमाग से नहीं तो कभी कभी अपनी आंखों का भी इस्तेमाल कर लिया कर। अपन अपनी कुल्फी के बारे में बात कर रहे हैं। कुल्फी का है उस रब को भी ना खबर लगे जा तुझको अफसाने दूं मैं तुझे कहीं ना जाने दूं मैं तुझे कहीं ना जाने दूं मैं तुझे कहीं ना जाने कैसा लगा आपको? अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुल्फी यही थी और उसने मुझे आवाज लगाई। प्रिंसेस थाडो ये वर्ल्ड की बेस्ट पार्टी है। तू मत से भी तू मत अच्छी। आपको अच्छा लगा? मैं वो एक और चीज मांगू, एक लास्ट चीज। इसे नहीं बोलते बच्चे, कुछ नहीं होता लास्ट वास्ट। अभी तुम दोनों को बहुत सारी मस्ती करनी है, जिंदगी भर साथ रहना है, घूमना फिरना है, डिज्नीलैंड जाना है, जाना नहीं जाना पता आपको क्या चाहिए डेढ़ा से दादी कम कहा
ना हो तो तुम लोगों को लगा यहाँ से भागकर अपने घर चले जाओगे? मूर्ख बालको, मैं वहां भी पहुंच जाती। मैं जानती हूँ तुम सब कहाँ रहते हो। यदि भाग भी जाते मैं वहां से तुम्हें पकड़ कर ले आती। ये मेरा बाल सुधार विकास केंद्र है, यहाँ हवा भी मेरी अनुमति से आती जाती है। तुम तो फिर भी बालक हो। राजन जी, अम्मा जी, सामने और पीछे के द्वारों पर चार चार पहरेदार और बिठा दो। दंड के तौर पर तुम सब पूरी रात जागोगे, रसोई घर को स्वच्छ करके ताजी डबल रोटी तैयार करोगे। राजन, इन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। कार्य शुरू करो। क्या चाहिए मेरे बच्चे नू? दस मेनू टाटा। आपने कई बार मुझे म्यूजिक सिखाने का ट्राई किया है, पर मैं तब सिली गर्ल थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। हाँ मेरा बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी हर बात मानते हो, सबकी बात मानते हो, आप बहुत अच्छे हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई आपको पनिश नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा पनिश। रिमेम्बर, आपने एक बार मुझे एक सेंग सुनाई थी, चर को मूरत समथिंग। पत्थर को मूरत बनने के लिए चोट खानी पड़ती है जी। संगीत सीखना है तो साधना तो करनी ही पड़ेगी। पत्थर को मूरत बनने के लिए चोट खानी पड़ती है। इसका मतलब यही है ना कि अगर मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी तभी एक अच्छी सिंगर बनूंगी। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं रेडी हूँ। आई नो, मैंने आपको बहुत परेशान किया। आप तो वर्ल्ड के बेस्ट सिंगर हो, मुझे भी रोज प्रैक्टिस करते। स्मॉल सी गर्ल हूँ, फिर भी सिंगिंग सीखने से मना करती हूँ। वेरी बैड, मुझे ये भी पता है मैं अच्छा गाना नहीं गाती। टाटा, अब ये सारी बातों को शीघ्र ऑफ करके आपको मेरा सिंगिंग टीचर बनना है, बताओगे ना? एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, मुझे इसमें पार्ट लेना है। मैं गुड गर्ल बन के बिहेव करूंगी। हमारे तक के फैलों पे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सीरियसली, पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। तुझसे सारे तो बाहर निकल गए थे, फिर वापस क्यों आए? ए चिलगोजी, तेरा दिमाग भी चिलगोजी जितना ही है क्या? तुझे सन की अम्मा के साथ अकेला छोड़ देते। मैं क्या, प्लीज, मैं तो मेरे पापा वहाँ देख गए थे, उनकी तरफ बाकी भी और अम्मा बच में आ गए। आप सारे तो भाग सकते थे। भाग जाते, पर किसी ने हमें सिखाया था कि अपनों के लिए लौट के आना क्या होता है? क्या होता है? सच्ची दोस्ती, जो अपनों को मुसीबत में छोड़कर ना भागे, वही तो सच्चा दोस्त होता है। ये बात हमने तुमसे ही तो सीखी है कुल्फी। मैं क्या कोई टीचर हूँ जो बात सिखाऊँ? मैं तो कुल्फी हूँ। फाइन, तू कुल्फी है, पर प्लीज अब और मत रो। मैं अकेले ना छोड़ने के लिए थैंक यू।
टीचर, मुझे एक चांस दे दो, एक चांस मेरे म्यूजिक टीचर बन जाओ। रोना बंद कर सबसे पहले। आप जब हमारी जिंदगी में आए थे ना, बहुत 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 सारी खुशियां लाए थे। तुमने को इतनी खुशी दी है ना बच्चे, कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी बच्ची संगीत सीखना चाहती है, मेहनत करना चाहती है। इस पाप की जीत हो गई आज, जीत हो गई मेरी आज बच्चे। दादा, मुझे कंपटीशन जीतना है, आप मुझे सिखाओगे ना? बिल्कुल सिखाऊंगा। पक्का प्रॉमिस? सच्चा प्रॉमिस। थैंक यू। आई एम प्राउड बच्चे, प्राउड ऑफ यू। बच्चों के लिए लिटिल सुपरस्टार नाम का एक कंपटीशन हो रहा है। देखो बाहर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, और एक हम है संकी अम्मा की जेल में बंद। यहाँ तो गाना गाना भी अलाउड नहीं है। कुल्फी, तू इतनी अच्छी सिंगर है, अगर तू यहाँ से बाहर होती तो तेरे बाबा पक्का तुझे इस कंपटीशन में लेके जाते है ना? जाएंगे ना हम सब यहाँ से जाएंगे। तुम अपने पापा के झूठी दिला से इधर बंद करो। तुम लोग खुद ही सोचो ना, हर तरफ इतने सारे गार्ड से हम लोग कैसे जाएंगे उड़ के? ए पुत्र है लालटेन, ये कोई मामूली लालटेन नहीं है, ये है उम्मीद दी लालटेन। आहो जी, जिंदगी में जब भी ऐसा लगे ना कि सारे रास्ते बंद होंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता जी, तो एक बात याद रखना कि उम्मीद भी पंख होने हैं। बंदा पकड़ में आ सकता है, उम्मीद हमेशा आजाद रहती है। ऊपर का थोड़ा सा मतलब उम्मीद उड़ भी सकती है? बिल्कुल, उम्मीद दी उड़ान तो सब तो ऊंची होंगी पुत्र। अभी भरेगी इसमें गैस, फिर देखियो ये कितना ऊपर जाता है। आराम से राम 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 राम। है ना बढ़िया? बहुत बढ़िया है ना? जिंदगी में जब भी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो ना, तो बस ऊपर आसमान में देखना, उम्मीद भी मिल जाएगी और सारे जवाब भी। अब उड़ कर ही जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।